Good morning, dear students. Today we begin with the chapter 7, part 2, that is Coorg. Coorg is a small district of Karnataka which is situated between Mysore and Mangalore, and it is famous for coffee, rainforest, and spices. So let's begin this chapter at page number 90 of your book, First Flight. Coorg. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो वो कहते हैं जो कुर्ग है, जो एक small district है कर्नाटका में, वो क्या है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक heaven है. तो ये किंग हेवन है, मतलब एक स्वर्ग है जो गॉड की किंगडम से ड्रिफ्टेड किया गया, लिया गया है. और ये जो लैंड है, ये एक तो हिल्स के साथ इनहैबिटेड है क्योंकि हिल स्टेशन है, और प्लस यहाँ पे जो मार्शल मैंस हैं, मार्शल मैन का मतलब होता है जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वो भी बहुत फेमस हैं. वुमेंस बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत ज़्यादा वाइल्ड क्रिएचर्स यहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि रेन फॉरेस्ट है. रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे कंटिन्यूस रेन होती है. कुर्ग और कोदगू, जिसको कुर्ग भी कहते हैं या फिर कोदगू भी कहते हैं, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, इज होम टू एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. तो कुर्ग जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाई जाती है क्योंकि हिल स्टेशन है, बारिश होती रहेगी, और डेंस फॉरेस्ट है, बहुत लंबे लंबे पेड़ होंगे यहाँ पे, स्पाइसेस हैं, मसाले पाए जाते हैं, प्लस कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी बहुत जानी जाती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोज एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. तो वो कहते हैं कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट 30% ऑफ कुर्ग का पार्ट कवर करती है, और मानसून में यहाँ पे बहुत बारिश होती है जिसके कारण जून जुलाई अगस्त में विजिटर्स नहीं आ पाते हैं, और इस बेस्ट सीजन टू इन्जॉय, यहाँ पे जाने का बेस्ट सीजन है. कमेंसेस का मतलब होता है स्टार्ट होता है सेप्टेम्बर से लेकर मार्च तक. द वेदर इज परफेक्ट विद सम शॉवर्स thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and conical bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. तो वो कहते हैं कि यहाँ पे best जो time है वो September से March है, और जो weather है वो बहुत perfect है. जब गर्मी ज़्यादा हो या कुछ ऐसा मौसम हो तो एकदम shower आ जाता है, और हर जगह coffee की खुशबू फैली रहती है. इन्वोग्रेटिंग का मतलब होता है खुशबू आना, हर जगह आपको शक्तिशाली जैसा महसूस होता है. और कॉफ़ी एस्टेट्स के साथ बड़े बड़े कॉनिकल बंगलोज भी हैं, मतलब जो कॉलोनीज हैं उसके रिलेटेड बंगलोज भी हैं, जो बड़े बड़े ट्री कैनोपीज के नीचे. कैनोपीज का मतलब होता है शेल्टर, जैसे अम्ब्रेला होते हैं ना, वैसे शेल्टर के नीचे मिलते हैं. द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. तो कहते हैं जो जो ये कहते हैं कुर्ग हैं, जो फायरसली हैं, वॉयलेंटली बलपूर्वक, ब्रेवली जिसको कहते हैं, ये जो लोग हैं ये कुर्ग के या तो ग्रीक इंसेंस के हैं, मतलब पुराने जो उनके पूर्वज हैं वो ग्रीक हैं, या फिर अरेबिक हैं. एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. तो वो क्या कहते हैं कि एक बार की बात है, एक स्टोरी है वहाँ पे कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब इंडिया पे इन्वेड कर रही थी तो कुछ आर्मी साउथ की तरफ, इस कोस्ट की तरफ मूव कर गई थी, जिन्होंने अपने आप को वहाँ से वापस जाने के लिए मना कर दिया, और वो वहीं पे सेटल हो गए, वहीं के लोकल से उन्होंने शादी कर ली, और लोकल्स और उनका कल्चर क्या हो गया, मिक्स हो गया, ना ही वो प्रॉपर हिंदूज हैं और ना ही वो प्रॉपर अरेबिक हैं, तो दोनों का फ्यूजन हो गया, मिक्सचर हो गया ट्रेडिशंस और कल्चर्स का. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ स्पोर्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट.
तो कहते हैं वो थ्योरी जो अरब ओरिजिन की है, वो स्पोर्ट कहाँ से मिलता है कि वो जो उनके कपड़े हैं वो बिल्कुल अरेबिक स्टाइल के होते हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट,